आज हमारे पास हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं, न्यू टैलेंट, न्यू आर्टिस्ट, टिकटॉक आर्टिस्ट। आप लोग ने हमारी स्क्रीन पर इन्हें बहुत देखा होगा, कभी लड़ते हुए देखा होगा, कभी खेलते हुए देखा होगा, कभी कूदते हुए देखा होगा, तो कभी चीखते हुए देखा है। सो यस, आज है हमारे साथ हमारी एक बड़ी प्यारी सी टॉम बॉय। प्यारी लड़की नहीं बोलेंगे हम, उन्हें टॉम बॉय बोलेंगे। और हम पूछते हैं कि इतना टॉम बॉय पना क्यों, इतना वो एक होता ना कलफ पर्सनालिटी में क्यों। सो यस दानिया, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक मिनट, मैं बोलती हूँ, हाँ जी अभी, हाँ कैसी हो? इधर हाँ, मैंने दानिया का हो ना बार बार अभी आप बुला रहे हो। दानिया ऊपर से नीचे है ना लाल हो गए, शुरू होने से पहले ही ना ये कुर्सी लाल हो गई और वो भी लाल हो गए, और ये इसके पूरे के पूरे क्रेडिट्स पता मैं किसको दूंगी। मैं तो गलती कर रही थी लेकिन मेरे साथ शरीक हो गए मीर जी। अस्सलाम वालेकुम भाई भुलक्कर। नहीं तो इसका नाम इतना मुश्किल है, दानिया। दानिया भी वैसे लड़कों का नाम होता है, दानियाल एल लगा लो लड़का बन जाएगी वैसे। अब ये बड़ा अजीब डालो हो गया, सही रहो ना, ऐसा ही है। वैसे भी इसको लड़के बनने का बहुत ही शौक है। वैसे ये बताए इस लाइक ऑफ कोर्स हर बंदा बोलता है कि लड़कियों को नाजुक होना चाहिए, चाय पकानी चाहिए, यू नो ये सारी चीजें होती है, शलवार कमीज। और आप टॉम बॉय कैसे चल रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ लोग आसानी से डाइजेस्ट नहीं करते, उनके हाजमे में ना बड़ा मसला हो जाता है, ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की मतलब एक देयर इज दिस थिंग कि उनको जो प्लेट में रख के दे दिया जाए ना, उनके लिए वो होता है कि बचपन से हमने इस तरह की लड़की देखी तो वही है, और अगर उससे थोड़ी सी भी अलग है तो वो लड़की ठीक ही नहीं है भाई। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें ना, ये इतनी शातिर है, इन्होंने मोनालिसा के मुंह पे भी ना लॉलीपॉप घुसा दी है। जी हाँ, ये जो शर्ट पहन कर आई है ना, इट्स अ वेरी नाइस हैपनिंग शर्ट। पर मुझे बताओ मीर, तुम इसको कितने टाइम से जानते हो? मैं इसको मतलब जैसे चैंपियंस में थी, मतलब शो से पहले, गेम शो से पहले मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि हम कई बार मिली भी है, मीटअप्स में मिले हैं। तो उसके अलावा मैं इसको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये जब बात करती है इंग्लिश में बात करती है बंदा, उर्दू बोले, उर्दू अभी इंग्लिश में ये बोलती है पता नहीं कुछ ये ए बी सी ये समझ आता है, बंदा उर्दू में बात करे, उर्दू सब आपकी मादरी जबान है, उर्दू बोलना चाहिए, उर्दू में बात करना चाहिए। देयर इज द थिंग पता नहीं क्या बंदा उर्दू में बात करे। नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, उर्दू में जरूर बात करनी चाहिए, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रही। बट क्या क्या करना चाहिए इसको बताओ, मुझे बताओ, तुम बता दो एक दफा, बताओ ये लड़की कैसे बने। लड़की तो है लेकिन और लड़की कैसे बने? अगर स्टॉर्म बॉय ने कुछ बोलना है सबसे पहले अदब से, बहुत बाना गुजारिश है, इतने प्यार से बोल रहे हैं, अदब से बहुत बाना, क्या ये बलोच बोल रहा है? ये मीर के अंदर एक छुपा हुआ बलोच निकला। सुनो जी, अदब से बोलो जी। हाँ बोला इसने अदब से सबसे पहले, अभी अब पता नहीं कोई इंग्लिश समझता है कोई नहीं समझता, ये हर कोई हर चीज यार जो भी बात करते हैं शो में भी बात करती है तो इंग्लिश अभी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा करती है करता है अभी, आप बता दे। वैसे मुझे बताओ, अंग्रेजी हमने एक चीज बना ली है कि अंग्रेजी बोलने वाले कूल होते हैं। बिल्कुल ये तो हम पर ये चीज मुझसे सीखो कि जितना काम मैंने खोया है इस अंग्रेजी की वजह से, काश मैं उर्दू बोलती तो इतना काम कर चुकी होती। बट यस आई थिंक अगर हम अंग्रेजी का भूत कहाँ से आया, वो कौन से दरख्त पर आप खेल रही थी कि वो अंग्रेज भूत आ गया? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मीर ने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया इस चीज को कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज करती हूँ। क्या कर दिया ये, अच्छा लफ्ज था, ठीक है मैं बोलती हूँ, खाने वाला लफ्ज था, मीर ने मुझे ऐसे लगता है कोई शामी कबाब कुछ ऐसा, क्या था ये लफ्ज, क्या था ये मुझे पता है, भूखा बैठा है इधर, पता नहीं कुछ ऐसा ही था जो इसने बोला, अब ये प्रोनाउंस करेगा, इसने बोला जैसे बिल्कुल, आप वहाँ देखकर हमें बताओ, अब मीर अंग्रेजी बोलेगा और तुम उर्दू बोलोगी, ठीक है? अच्छा मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तुम लोगों को एक दूसरे की अच्छाइयां बोलनी है बुरे अंदाज में, और बुराई बोलनी है प्यार के अंदाज में, वो कैसे बोलेंगे? ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। मुझे इंग्लिश में बोलना है, अंग्रेजी मेरी जान। Once upon a time, इंग्लिश में पहले यही होता है ना, Once upon a time, there was Dania. इन्होंने तो शुरुआत में फौजगी डाल दी, की होया मुंडे की होया? ओके तुसी दसो, मीर की तारीफ करो उर्दू में
एक अच्छे एक बुरे अंदाज में और इसकी बुराई करो प्यार से, इतने प्यार से बुराई करो कि बंदा बोले आहा क्या बुराइयां हैं, आहा मजा आ गया। जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये मीर से कहना चाहूंगी कि मीर आप, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप मुझे कितने ज्यादा बुरे लगते हैं, लेकिन आप लगते हैं। मैं आपसे यही मैं बस एक चीज कहूंगी आपसे मीर, जब आप बोला करें ना उससे पहले सोचा करें। अच्छा। बस यही कहूंगी मैं, और कुछ भी नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि तुमसे ज्यादा हैंडसम बंदा नहीं देखा मैंने, ये क्या बात होती है, ऐसा नहीं होता यार। इसकी माशाल्लाह इसके और इसके कजन की देखो, और गुड तुम लोग ने कौन सी फौजियां बनाई हुई है, लड़कियां फौजी, जब से शो शुरू हो गया मीर की रिक्वेस्ट से आती रहती है मुझे, मैंने बोला ये क्या हो गया, इसके कोई ना कोई फौजी मुझे डीएम करता रहता है, तुमने उनको तनख्वाह पर रखा है क्या? नहीं, ये सारे फैंस का कमाल है जो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं, तो उनको मैं एक बार अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की है आपको, तो सबसे पहले उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और उसके अलावा मतलब हमारी तरीन जी ने भी रिक्वेस्ट की थी, तरीन को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। अब मुझे दानिया का पता नहीं इसको किसने इनवाइट किया, क्या बात है यार मेरी, तुम्हें पता है मैं यहाँ रेड सीट है, वहाँ तो रेड औरत हो गई, खातून हो गई वहाँ रेड। हाँ जी हाँ, जो तरीन की हम बात करें वो लाल हो गई, ब्लश ब्लश ब्लश। खैर मुझे बताओ तुम्हारा स्टार साइन क्या है? टॉरस। टॉरस, टक्करे मारती रहती हूँ इधर उधर। हाँ, मैं चीजों में मशहूर हूँ। मैं हाँ बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हूँ, ओवर इंपल्सिव, जिद्दी, बहुत ज्यादा स्टबर्न, और वो ही एक दफा जो आ जाए दिमाग में कि ये करना है तो वो करना है, चाहे हमारे लिए नुकसान हो या दानिया से, फिर आप एल लगा कर दानियाल हो जाती है और आप कर लेती कर लेती है, कर ही लेंगे। नहीं, मैं कहती हूँ कि एल की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही दुनिया फतह करेंगे। दुनिया, और क्या बात है, तो दुनिया फतह करने की बात कर रही है, हम तो पाकिस्तान में ही, तो इंटरनेशनल हो गई। आप बताएं, मेरा स्टार तो पाइसेस है। पाइसेस, हाय अल्लाह मैं कैसे बोल सकती हूँ, इमोशनल दूसरा डायलॉग में नहीं बोलूंगी। पाइसेस है, और जैसा मेरा स्टार है मैं वैसा ही हूँ, मतलब इमोशनल सबसे ज्यादा मासूम, शक्ल से भी मैं लगता हूँ लेकिन हूँ भी मैं। नहीं, मैं सिर्फ शक्ल से लगता हूँ। मासूमियत टेस्ट बनने की कहाँ करते हैं दानिया बताओ? हम लड़कियों को एक लड़का अच्छा लगा है, अब हमें देखना है ये मासूम है तो क्या हमें करना पड़ेगा? मैं तो मासूम है, मैं कभी भी लड़कों की मासूमियत टेस्ट नहीं करती क्योंकि मुझे मासूम लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। क्या लड़कियां पसंद है, क्या हो गया यार? नहीं, मुझे मासूम मुझे मासूम लड़के नहीं पसंद। मैंने बारहा ये बात कही है मैंने कि आई लाइक बैड बॉयज। सो यू लाइक बैड बॉयज, मतलब कैसे? जो बिल्कुल मासूम नहीं है, स्मोकिंग करते नहीं। ओए यार, स्मोकिंग से कोई बैड बॉय नहीं बनता। आई स्मोक, दैट डजंट मीन आई एम अ बैड बॉय। बट सो यू स्मोक? यस। आई, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 18। So, ऐसे लीगल है, फिर हमने उसके बाद स्मोकिंग स्टार्ट की है। नहीं, बट ये एक आदत किसने आपके चुल में डाली? मुझे उस इंसान को पकड़कर दो चपेड़े मारनी है। किसने ये तोहफा किसने दिया था आपको? किसी ने नहीं दिया मुझे। आई चूज व्हाट आई वांट। ओके, व्हाट हैव यू आल्सो चोजन इन योर लाइफ जो आपको लगता है कि माँ बाप को पता है तुम ये टेलीविजन पर बोल रही हो? मैं अगर टेलीविजन पर कोई बात कर रही हूँ तो वो ऑब्वियसली मेरे माँ बापों को पता होगी। तो उन्होंने कुछ क्यों कर रही हो, किस वजह से कर रही हो? मेरे माँ बापा ने हमेशा मुझे इसी तरह से पाला है कि दानिया तुम कोई लड़की नहीं हो, या तुम एक होता है ना, आप सेक्स, तुम लड़की नहीं हो। नहीं, सेक्सिस्ट होते हैं बंदे ला कि आप लड़कियां तो ये नहीं कर सकती। हाँ। तो सिगरेट पीना आई डोंट थिंक कि एक लड़का कर सकता है और एक लड़की नहीं कर सकती है, क्योंकि दैट इज योर चॉइस कम्प्लीटली। हाँ, वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, तो आप लड़के हो या लड़की हो, आपकी हेल्थ पे इक्वली इफेक्ट करेगा वो। किसी को नहीं करना चाहिए मुझे जो लगता है, क्योंकि स्मोकिंग 10 सेकंड रिड्यूस करता है। डोंट यू थिंक दैट यू नो छोड़ देनी चाहिए इस उम्र में? हार्मोन्स, मैंने सुना है हार्मोन्स बड़े अनबैलेंस होते हैं, सारे बुरी चीजें, इंसान को बड़ी प्यारी लग रही होती है। हाउ ओल्ड आर यू मीन? हाँ नतीजा जी, मैं ये कहना चाहता था कि मतलब दानिया को ये पसंद है कि मतलब जो काम लड़के करते हैं वो मैं करूँ, तो आपको पता है ये नस्वार भी करती है।
नस्वार भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बड़ी राजदार। ओ ये खुद जो करता है तो इसको लग रहा है कि वो मैं पसंद है, जो चीज लड़के करते हैं वो मैं करूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीज लड़के करते हैं, मेरे लिए कोई भी, मेरे लिए बचपन से ऐसी कोई चीज स्पेसिफिक है ही नहीं कि ये लड़के कर सकते हैं। आई थिंक इधर हमने ना, मुझे एक मुझे ये लगता है लड़का लड़की हर चीज कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, कोई चीज की बॉर्डर लाइन नहीं है। आर्मीज में लड़कियां हैं, व्हाट यू कॉल, शेफ्स लड़के बन रहे हैं, कुछ ऐसे बाप हैं जो घर पर बैठकर अपने बच्चे पालते हैं, और कुछ ऐसी माएँ हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं। तो इट्स जस्ट हाउ यू टेक इट। पर मैं इस बात, आपने कभी सोचा कि तुम ये सिगरेट्स और ये चीज़ों छोड़ दो? क्योंकि आपको पता है ठीक है, हाँ अपना कूल लगता है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। नहीं आयर, मतलब क्या, आई कम्प्लीटली अग्री कि सिगरेट पीना इट्स नॉट वर्थ इट ऑब्वियसली। और मैं आपकी ये वाली, ये रियलाइजेशन, इट्स लाइक मुझे कभी भी नहीं लगा कि सिगरेट पीना या व्हेन यू स्मोक यू लुक कूल या समथिंग लाइक दैट। सो इट्स लाइक एट दिस, ये तुम्हें ये आपको पता है, ये ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से भी होता है, क्योंकि वो आपके मेंटल चीज को थोड़ा सा, ज़हनी तवाज़ुन को थोड़ा रिलैक्स करता है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे सर पर, क्या चैंपियंस ने तुम्हारा ये हाल कर दिया? नहीं 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 नहीं, लेट मी कंप्लीट मीर सिगरेट वाली बात जो है वो मैं ये कहूंगी, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आई गेस आई एम 18 एंड आई एम एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग एवरीथिंग, बट आई एम नॉट परसूइंग एनीथिंग फॉर माय फ्यूचर एज वेल। जो मेरी, जब मुझे सही लगेगा, मेरे सही नहीं है तो मैं वो छोड़ दूंगी। आई गेस मैं इतनी मैच्योर हूँ कि आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी। तो आपने छोड़ दिया स्मोकिंग? हाँ, तकरीबन आई एम यू नो क्विटिंग इट। ओके, दैट्स एक्चुअली गुड। या मतलब दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑन। मिथिला जी, आपने अभी नाम लिया था चैंपियंस का, तो आपको लेना नहीं चाहिए था वैसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अभी जैसे चैंपियंस है ना, अब हर कोई पूरे पाकिस्तान में किसी को बोलो चैंपियंस 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 तो हर कोई चिढ़ता है, पता नहीं क्यों चिढ़ता है। हाँ, लेकिन चिढ़ता है, लेकिन ट्रेंडिंग पे पता नहीं क्यों था चैंपियंस। ट्रेंडिंग पे तो पहुंचाया चैंपियंस को, लेकिन हर कोई पहुंचाया कैसे, लोगों ने देखा तो पहुंचाया। दानिया की वजह से तो नहीं पहुंचा वैसे, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि दानिया की वजह से, दानिया की वजह से नहीं पहुंचा। जो जितने थे ना इंडिविजुअल्स वहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल वकार भाई की मेहनत और बोल की मेहनत की वजह से वो ट्रेंडिंग पे गया था, एंड दैट वॉज वर्थ लेकिन मैं एक चीज भूल गई, हम तो वीडियो भी लगाते हैं यार, इतनी गप्पे लग रही है तरह से, इतनी वीडियो ही भूल गए। वैसे टू बी ऑनेस्ट, कॉफी इतनी स्ट्रॉन्ग, कॉफी स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं पी सकता। मैं भी सच बात बताऊँ, मैं नहीं पी सकती। और मैं एक अवार्ड शो में गई थी, तो मैं आपको वो एक अंदर की बात बताऊँ। तो कॉस्टर कॉफी पर हम सारे लोग थे, अब मैंने तो मिल्कशेक ले लिया, क्योंकि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो नहीं लो। सब ने ना ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, आधे लोग तो बाद में जाकर हमें बोलते हैं यार चाय कहीं से मिलेगी। तो यार ये एक चीज होती है, पता नहीं क्यों। तुमने कभी ऐसा किया है कि तुम कोई चीज कर रहे हो, तुम दोनों कोई चीज कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन तुम्हें वो चीज अच्छी नहीं लग रही, वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो बिकॉज सब कर रहे हैं। मैंने एक बार ऐसा किया, मुझे पान खाने का बहुत शौक था, मैं बहुत छोटा था, तो बचपन में मैं गया, तो सब कहते थे मुझे वो पता नहीं चूना लगाने वाला पान, ये वो। हाय अल्लाह, आपने तो बचपन से ही चूना लगाया अपने आप को, ये क्या? वैसे चूने तो बहुत से लोगों को मैंने लगाए, लेकिन बचपन में आपने जैसे क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मतलब कोई ऐसे काम जैसे आपका दिल, मतलब सब कर रहे हैं और आपका भी दिल करे करने को, तो या तो आपको पता है कराची में ऐसे बहुत से लोग हैं पान वान खाते हैं, तो मुझे बहुत शौक था मैं एक दफ़ा ट्राई करूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तब मेरी हालत बहुत बुरी, चक्कर आ गए, बहुत ही अजीब हालत हुई। वो तुमने वो जो गेम, एक मिनट में एक वीडियो लगाऊंगी, वो वीडियो देखना है, वो एक गेम शो की क्लब पे, ठीक है, जहाँ मीर है ना, ये यू करके ना गोल 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 घूमता है, और कल जी बात बताओ, बॉल वहां था, मीर वहां था। तो यार हाँ, ये सारा जो गेम शो में, ये जो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा थोड़ा कर कर है ना, ये बड़ा एक्सपर्ट हो गया। तुमने ऐसी कौन सी चीज ट्राई की जो तुमने बोला मैं बस कर रही हूँ क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है? मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की है जो मुझे ऐसा लगता मुझे नहीं करनी चाहिए और मैंने फिर भी की हो। मैं सब कुछ करना चाहिए,
नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ करना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कहे कि मुझे करना चाहिए। तुम्हारा दिल, आपको पता है दिल की बात जो सुनते हैं वो बर्बादी के रास्ते चले जाते हैं। दिमाग भी अल्लाह मियां ने दिया है, उसे कब इस्तेमाल करोगी? मैं पहले दिल की सुनती हूँ, फिर दिमाग की सुनती हूँ, फिर करती वही हूँ जो मेरा दिल और दिमाग दोनों कोऑर्डिनेट करके करते हैं। ये टकरे मारती है, इसका दिमाग बोल रहा होता है हाय मैं किथे आ गया, मैं किथे फंस गया। मुझे ये बताओ तुम दोनों, यू गाइज आर यंग, बड़े होकर क्या बनना है, क्योंकि अभी भी तुम लोग बच्चे ही हो। बड़े होकर तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पहले बचपन से अब्बू तो वैसे अब्बू बनने का शौक है, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी की बात ही नहीं करते। मियां बनने के बाद ही अब्बू बनते हैं। मतिया जी, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात ही नहीं करते, आप एक बार बोल तो दो उन्हें शादी की बात तो करें। लोग देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं उनको लगता है कि वो बीवी होता है ना, बेगम, बेगम या बीवी बन सकते हैं। तो यस, आप लोग अपनी तस्वीरें भेजो हमें, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, मेरी क्या करा सकती है, आप लोग हमें बताएं, हम इधर दिखाएंगे। मीर के लिए तो वैसे भी इतनी लड़कियां पागल हैं, मैंने तो देखी है, मतलब पागल हुई भी होती हैं। लेकिन पागल तो नहीं चाहिए, पागल नहीं चाहिए, लेकिन ये बात है, पागल नहीं चाहिए। ऐसे ना हो कल के दिन मुझे ही काम करना पड़ा, पहले दिन मैं खुश हूँ, मेरी शादी एक हफ्ते बाद हाथ में सब्जियां। उधर है ना, हमारे सारे कैमरामैन आपके इस गम को समझ सकते हैं ना। ये तो बहुत बड़ा गम होता है, वो देखे, वो तो है ना जी, शादी के बाद यही होता है ना, सब्जी ले लो, पहले होता है प्यार ले लो, चुम्मी ले लो, गले लगा लो, फिर ये होता है दही ले लो, अंडे ले लो, डंडे ले लो, ऐसा ही करना होता है। तो इस काम के लिए तो शादी नहीं करना चाहिए, नहीं इन कामों के लिए नहीं, किस काम के लिए शादी करनी चाहिए, शादी करना चाहिए। तो मतलब शादी की बात भी बंदा बोले, दूसरों को बोलता रहे कि यार मेरी शादी में मैं शादी शुदा हूँ, खुशी से बोले ऐसे ना, मैं शादी शुदा हूँ या बीवी के मायके जाने का इंतजार करें तो क्या फायदा है यार। ये तो बड़ी अंदरूनी बात है यार, जितने भी मर्द आए ना वो सब अपनी बीवी के मायके जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। हफ्ते में एक दफा बोलते हैं तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आ रही, और ये काफी औरतें ये देखती होती है, मर्द क्यों ऐसी क्यों बात है। खैर मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहोगी? मैं क्या बनना चाहूंगी, मैं मीडिया में हूँ और मैं 3 साल से थिएटर ही कर रही हूँ। okay. मैं थिएटर आर्टिस्ट एंड आई एम अ प्रोफेशनल डांसर एज वेल, तो मुझे आगे यही। हाँ, तुम्हारे बाल इतने लंबे होते थे है ना? हाँ जी, बाल कटवा दिए। ये बाल इसके इतने लंबे होते थे? हाँ, बाल कटवा दिए। डांस बहुत अच्छा करती है। उधर तो ये वाला मैंने नहीं देखा था, लॉन दफना ये कब आया? हाँ, ये डाउनलोड कब हुआ? अब मुझे याद आया, हो ये लॉ है ना। क्या याद आया आपको? तुम्हारे डांसेस बड़े अच्छे होते थे, मतलब शी इज़ अ ब्यूटीफुल डांसर एंड आई हैव सीन हमेशा, जब भी मैं इतनी नर्वस होती थी आई बिलीव परफॉर्मेंस, ये सारे जो लोग हैं ना, गुड लक गुड लक, हम जैसे पागल आर्टिस्ट को ये लोग गुड लक देकर इतना वो हमें ना, मैं मुझे याद है मैंने इसको एक दफा बोला था तो मैं ना बहुत आगे जाकर खड़ी हूँ, मुझे तुम्हारी नकल करनी है भाई, ये बात तुम ही हो ना। हाय लो, मैं शुक्र है याद आ गया। नहीं, ये डांस अच्छा करती है, उसने मुझे बताया अभी जब आप। और ये कंप्लीटली लड़के की तरह है, इसके अंदर इतनी लड़की वाली अदाएं निकलती। जब मैं डांस करती हूँ ना तो लाइक लोगों को लगता है मेरा अटायर वगैरह देख के डांस करने में मैं ज्यादातर हिप हॉप करती हूँ। नहीं, मैं मेरा जॉनरा ही अगर डांस का है वो बॉलीवुड है, मैं करती ही बॉलीवुड हूँ। जब मैं करती हूँ ना डांस, अगर बैठ कर तुम्हें फिर तो 4 चीजें बताई जाए तो फिर वो क्या होगा? अगर तुम्हें उमराव जा अदा बना दिया जाए 30 सेकंड्स के लिए तो हाँ, वो जो वो ये वाला ना, हाँ वो करके दिखाओ, पर अभी है ना उधर करके दिखाओ। ये तुम्हारा अभिषेक बच्चन है, ठीक है? हाँ, जो है ना आखिर में भाग जाता है, भाग जाता है आखिर में। उमराव जा के साथ यही होता है ना बेचारी, भाग जाता है। फिर तो मैं ना ये करके ना अपने नाज नखरे दिखाओ, छोड़ो मुझे बस सवरने दो, इस तरह करके बोलो। हाँ, और क्या मैं बोलूं और तुम्हें बोलनी है? मैं क्या बोलूं, मैं आप मुझे डायलॉग, तुम्हें इजहार मोहब्बत करना है लेकिन साथ साथ अपने नाज नखरे भी दिखाने हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। क्यों देखिए, उधर भी देख लीजिए, अपने आप के सवार रहे हो, उधर देखना ही नहीं है ना, फिर दिल टूट जाएगा।
अच्छा कर लो मजाक कर रहा हूँ कर लो बेटा मैं देख रही हूँ तुम्हें यार बाढ़ में गया सब समझ आई बाढ़ में गई अदाएं तुम्हें छोड़ना नहीं है मैंने समझ आ रही है तो सॉरी इधर एक मीम बनेगा जिसमें वो बिलाल से इतने यार बड़ी सैड सी गले बहुत अजीब हो तुम क्यों इतनी प्यारी बच्ची इतनी नजाकत से बोलिए देखिए उधर से तुम बोले नहीं तो मैंने तो सही बोला ना अभी पता नहीं कैसी कैसी अदाएं अभी देखना नहीं है ना अभी देखेगा तो मतलब सब फ्लॉन्ड पिघल जाएगा मसला तो यही है मसला तो ये पिघलना नहीं है पिघलना तो है हाँ जी इधर इस बात पर तो मेरा दिल बहुत ज्यादा गुड़ी हो गया जी वो बच्चा कौन सा शुगर मिला रखा है लगाई रखो जी गुड हो गया जी गुड हो गया एक्टिंग के बाद कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे हैं हाँ अभी पता चला लोग हैं ये कहाँ से आते हैं अभी पता चला ना पाकिस्तान में कितना टैलेंट है देखो गुड हो गया जी इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट वी हैव बात है कि टैलेंट है पाकिस्तान में ये अलग बात है कि वो गुड हो गया जी में निकलता है और एक बात बताओ टैलेंट से ज्यादा हमारे पास मीम बनाने वाले लोग बहुत है पाकिस्तान मैं तो उन लोगों को यूं देखती हूँ मेरे ऊपर जितनी मीम्स इन लोगों मनुष्य ने बनाए ना मैंने पता है हाँ छोड़ो वेल इन दोनों में से तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा लगता है बताओ बिलाल या अली तुम बताओ हाँ आप बताओ बिलाल अशरफ ने तो शर्ट फाड़ा था क्योंकि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे लड़की ने छोटे कपड़े पहने वो डाइजेस्ट नहीं होता लड़का शर्टलेस आ जाए वो डाइजेस्ट मुझे लगता है पाकिस्तान को एक हज मोले की गोली की जरूरत है कुछ डाइजेस्ट नहीं होता और अगर आप लोग को नहीं पता मैं किस सीन के बारे में बात कर रही हूँ तो हम आप लोग को एक रिकैप करके दिखा देते हैं यार कि क्या बिलाल शर्टलेस कैसा लग रहे थे गुजारा हो सके खैर तुम्हें कैसे लगा बिलाल शर्टलेस He looked handsome. तुम्हें कैसा लगा बिलाल शर्टलेस अच्छा था ओके अब आपको किस लगा बिलाल शर्टलेस I think मर्द अच्छे लगते with something on मुझे सिर्फ सलमान खान शर्टलेस अच्छा लगता है बाकी कोई नहीं बाकी मर्दों को मैं सलमान खान की तो मतलब जब लड़ाई होती है तभी वो शर्टलेस होता है ना हाँ बस और वो भी स्क्रीन पर शर्टलेस अच्छा लगता है रियलिटी में नहीं शर्टलेस करना कोई ऐसा एक ऐसा बंदा जिसके तुम शर्ट फाड़ना चाहो रियलिटी में एक ऐसा एक्टर होते यार होते बताएं दानिया सोच रही है इमरान हाशमी का नाम मुझे इमरान हाशमी तो यार है ही नहीं हमने तो इमरान ही नहीं यार हर बंदी जो यहाँ बैठती है इमरान का नाम क्यों बोलती है Why इमरान Why you have so strong hold on पाकिस्तानी women Why हमारे दो प्यार प्यार मेहमान मीर एंड दानिया यो हाँ जी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा एक्टर है जिसका दानिया शर्ट फाड़ना चाहिए गुस्से में नहीं प्यार में लाइक ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा एक है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मैं उसका नाम ही नहीं मेंशन करूंगी और बता दो यार तुम फिक्र नहीं करो यार नाम मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बोल है तुम्हारे साथ बोल किला आजाद है नहीं नहीं मतलब मैं मजाक कर रही थी कोई भी नहीं मुझे ऐसा मतलब कोई नहीं लगता मैं जाके उनकी शर्ट फाड़ दूँ एक्टर कौन है फेवरेट एक्टर कौन है वही है जिसका ये शर्ट फाड़ना चाह रहे नहीं बताओ फेवरेट एक्टर यार कितना सादगी वाला सवाल है तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है तानिया अच्छा फेवरेट एक्टर मतलब मुझे मतलब कोई इतना खास ही पसंद मतलब ये वो है इन द बीनिंग इतना कोई खास नहीं पसंद मुझे कि नाम बताओ मेरा कोई फेवरेट नहीं है मुझे अच्छे लगते हैं बहुत सारे एक्टर ऐसा एक कोई नहीं पता है वो है क्या वो हुमायूं सईद है नहीं वो हुमायूं सईद नहीं है कौन है वो दानिया कौन है वो
मैं किसी की एक तो फर्ज और शर्ट नहीं फाड़ना चाहती। शर्ट नहीं यार, हम अभी भी शर्ट पर अटकी हुई है यार। तुम बेडरूम से बाहर आओ, हम पूछे ये शर्ट फाड़ना। इससे दिमाग में ना शर्ट फाड़ रही है। और क्या क्या कर रही है लाइव शो पर बैठ। नहीं मदीना जी, जब भी आप इससे कोई क्वेश्चन पूछती है कि आपको क्या पसंद है, आप अपने में क्या चेंज करना चाहती हो, तो ये बोलते मैं ऐसी ठीक हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, या कोई फेवरेट एक्टर नहीं, नहीं कोई फेवरेट एक्टर नहीं, बस कोई भी पसंद नहीं या कुछ भी, मतलब क्या कोई एक बताओ तो दानिया। देखो भाई, ये मुझे लग रहा है ये जो मोनालिसा ने जो लॉलीपॉप ली हुई है ना, वो दानिया मुंह में लेकर बैठ जा रही है। दो जान आपका होता है जिसको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो। मैंने बचपन से पाकिस्तानी मीडिया को इतना ज्यादा फॉलो ही नहीं किया कि मेरा पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टर हो। हाँ मुझे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग स्किल्स, नॉट बिकॉज हाउ दे लुक। तो ऐसे ही सीन है मेरा। एक बता दो मैं कोई किसी एक को मैं मेंशन नहीं करती। ये वो लड़की है जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अवार्ड शोज में परफॉर्म कर रही होती है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर रही होती है। और ये एक नाम नहीं बता रही, हम तो इंडियन पर फोकस पहचानिए इसको। क्या नहीं, मतलब एक नाम की बात नहीं, नाम मुझे बहुत सारे एक्ट्रेस के पता है, नाम पता होने की बात ही नहीं है ना। बात ये कि मुझे मेरा कोई बहुत ज्यादा फेवरेट हो, तो ऐसा कोई नहीं है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट। मैं आपको बता देती हूँ, हाँ एक्टर तो नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक फिल्म में काम किया है। इसको ना गोल घुमा कर ना, ये बोलती है ये वो बच्ची है जो बोलेगी मुझे नहीं चाहिए घर जाकर बोलेगी मुझे चाहिए था वो, तुमने क्यों दिलाई है वो। ये वो ही है जो जहाँ वो नाना करती है इसका मतलब वो हाँ है, जहाँ वो हाँ करती है इसका मतलब वो ना है। हाँ ये रिवर्स है। तो भाई दानिया आई बिलीव बचपन में इसकी माँ बोलती होगी बेटा ग्लास बिल्कुल तोड़ना, तो ये ग्लास नहीं तोड़ती होगी। जिस तरह इसकी माँ ने बोला ग्लास नहीं तोड़ना दानिया, दो सेकंड में तोड़ दिया। हाँ ये है ना? ये है मेरे साथ। हाँ, है ये बिल्कुल है। बहुत अच्छी सेकंड्रेस। तो एक उन्होंने फिल्म की है बोल के नाम से। हाँ. और वो है आतिफ असलम। He is a singer, okay. but I love him, I okay. adore him. He is my inspiration, he is my idol since I was 10. मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये सब उर्दू में बोलो। ये सब उर्दू में बोलो। तो मैं 10 साल की थी जब से मुझे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी तुम्हारे साथ। मेरे जो मीडिया में बात क्यों नहीं सुनते? मीडिया में जो मेरे क्रश हैं या मतलब जो मैं जिनकी बहुत ज्यादा मुझे पसंद है या मैं जिनको बहुत ज्यादा लाइक फॉलो करती हूँ, एक फर्स्ट तो आतिफ असलम है ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज सलार अंजुम। तो लाइक ये दोनों। तो इतना क्या शर्माना, इतना क्या शर्माना। फाइनली अभी हमें बिरयानी बांट देनी चाहिए क्योंकि दानिया ने एक सवाल का जवाब दे दिया। फाइनली सवाल जवाब दे दिया। बस तुम बताओ, हम तुम्हारी टर्न आ रहे जी। अब आपकी मेरी बारी। फाइनली बेचारा, मैं आपको बताऊं दानिया कंप्लीट ही नहीं करती, इसका टर्न आता ही नहीं। ये कुछ बोले तो मेरी बारी आए ना। मैं हमेशा एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ तुम रोमांटिक सीन करना चाहो, पाकिस्तानी या इंडियन? पाकिस्तानी बात हो रही है। नहीं असी पाकिस्तान में हो, लॉलीवुड जिंदाबाद। पाकिस्तान में मायरा खान। मायरा खान हाँ, अच्छी लगती है मुझे मायरा खान। इसके अलावा मतलब रोमांटिक सीन। हाँ वैसे मुझे तो लग रहा है कि मायरा को देखकर चुप हो जाएगा। नहीं ऐसी हाँ? बात नहीं है। ये बोलती बंद, मायरा बोलेगी तुम कुछ बोलो तो सही, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। नहीं मतलब मायरा खान मतलब बचपन से। वैसे अगर मीरा आ जाए आप मायरा, क्योंकि दो मीम है, एक मीम नहीं आ सकी तो दूसरी मीम दे दी, आप नून बनकर चले जाएंगे क्या करेंगे? जैसे एक बंदे को क्रेज होता है ना किसी का भी, मुझे मतलब मैं एक जमाने में मीरा जी पूरे पाकिस्तान क्या आई बिलीव कुछ 10 11 15 20 साल पहले मायरा खान मीरा जी ने भी, मीरा जी रीमा जी। अब मुझे बताओ रीमा जी के बारे में, आपको क्या लगता है? रीमा जी के बारे में तो मैं क्या, वो शहजादी है ना? हाँ वो अच्छी है, रीमा जी अच्छी है। और एक है महविश हयात। और मायरा खान, इन दोनों में मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजमेंट हो जाती है, माइंड नहीं करना। इन दोनों में कभी हो जाता हूँ, महविश हयात और मायरा खान, बस इन दोनों का मुझे। अब हम आते हैं गंदी वाली कुत्ता बिल्ली वाली साइड पर। मुझे बताओ चैंपियंस में कौन था जो आप बोलते हो निहायती डिप्लोमैट, हिपोक्रेट, नहीं होना चाहिए, बंदर के हाथ में आईना आ गया?
चैंपियंस में आई गेस अब ये इस बात को भी बोलेगी देखो कोई नहीं है लेकिन कोई है लेकिन कोई नहीं है लेकिन कोई है फिर कोई नहीं होने के बाद कोई है ये क्या ये नहीं करना हाँ. सब में अपनी गेम खेली थी तो सब वहाँ पे हिपोक्रेट भी थे डिप्लोमेटिक भी लेकिन थे, एक बंदा आई एम श्योर तुम्हें कोई एक बंदा तो दोस्त वहाँ बना होगा जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा जो तुम आई बिलीव चैंपियंस के बाद भी इन टच हो. हाँ मैं जिस जो मेरी वहाँ पे बहुत अच्छी दोस्त बनी थी और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था मैंने शो में जो कि अभी बाकी एपिसोड्स रिलीज नहीं हुए तो लोगों को पता नहीं है. बता दो थोड़ा सा बता नहीं, दो नहीं, 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 बता यार, नहीं सकता बता दो यार, नहीं, बता नहीं, दो. नहीं, नहीं नहीं क्यों बता दो है बता दो इसका नारा है ना अब तुम एक शर्ट बनाओ क्यों बताओ नहीं बताऊंगी. हाँ तो खैर माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चैंपियंस एंड शी स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड. बनो ना तुम तो टॉम बॉय हो तुम तो जो बोलती हो मुंह पर बोलो मैं ये तो बनो ना मतलब मैं वेरी ब्लंट आई एम वेरी ब्लंट एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मुझे कोई नहीं पसंद ये वो ब्लंट है जो बटर नाइफ वाला ब्लंट वो ब्लंट नहीं होता. एक नाम बता दो जो तुम बोलते हो यार नहीं होना चाहिए चैंपियंस में नहीं होना चाहिए था. पता मतलब नहीं बता सकते नहीं ऐसी बात नहीं है मेरी लड़ाई मैं बताती हूँ आमिर से मेरी लड़ाई बहुत ज्यादा हुई थी मतलब okay. मुझे उस वक्त था कि अगर मुझे ये बाहर मिल जाए तो मैंने तो इस बंदे को छोड़ना ही नहीं है. इतनी गंदी लड़ाई थी और राबेल और आमिर से मेरी इतनी गंदी लड़ाई थी कि आमिर तुम्हारी टीम में है लेकिन आमिर मेरी टीम में अब एंड वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ. ओके तो यही है कि चैंपियंस अगर सिर्फ चैंपियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे आमिर नहीं पसंद था राबेल उन दोनों से मेरी इतनी गंदी लड़ाई हुई थी कि मैंने कहा मुझे बाहर मिले तो फिर भी तुम वहां से ही होगे तुम लोग वापस लेकिन अब जब वापस निकले और फिर हमने क्लियर किए अपने इश्यूज तो सही था लेकिन अगर कोई थ्रू आउट चैंपियंस में रहा और उसके बाद भी अभी तक मेरी उससे वैसी ही बात क्या थी कि मैं अपने बाप के दम पर वो क्या बातें थी वो बात ये थी राबेल ने मुझे कुछ कहा था तो मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हारी तरह जो है अपने भाई और बाप का नाम नहीं लेती कि हाँ जो पे हूँ जो भी हूँ ना अपने दम पर हूँ किसी की हाँ. पर्ची नहीं होती तुम मेरे सामने ज्यादा बकवास नहीं करो. राबेल किसकी पर्ची है मुझे कुछ नहीं पता पर्ची नहीं लेकिन वो शी यूज टू नो टेक नेम्स लाइक मेरे भाई को नहीं जानती तुम मेरे बाप को नहीं जानती तुम मेरा भाई ये मेरा बाप वो. राबेल तुम्हारा भाई कौन है नतीजा जी मतलब चैंपियंस को पता है किस लिए सब बुरा भला कहते हैं चैंपियंस को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मतलब अगर कभी इस इतने सारे ज्यादा कंटेस्टेंट्स मैंने देखे कोई बात करते तो कोई बदतमीजी से जवाब देना ये वो दानिया ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि मतलब अगर कोई किसी से प्यार से बात करता ही नहीं था तो इसलिए सब चैंपियंस को बुरा भला कहते हैं. वैसे अगर मुझे ये लगता है कि चैंपियंस ने बहुत सारे जो लोगों ने ना जिस तरह मैंने सिद्रा को भी ये बोला था कि लोगों ने वो चीजें हाईलाइट करी जो नहीं होनी चाहिए लोग लाइक कुछ लोगों ने ड्रग्स को कूल बना दिया था वो भी नहीं होना चाहिए बिकॉज वी ऑल बिलीव दैट ड्रग्स आर नॉट गुड और टोटली नॉट गुड उसमें ये सारी चीजें हाईलाइट हो रही थी फिर ये हो रहा था थोड़ा बहुत यू नो आई बिलीव एवरीवन इज टेकिंग लाइमलाइट इन अ वेरी weird way. Yeah. अगर तुम चले गए चैंपियंस में तुम तो एक दिन भी नहीं रहते नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रह बिल्कुल सकता नहीं रह पाता. फिर अभी शुक्र है मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं शुक्र है ये बोलना शुरू किया वरना मैं जब इसकी कैप्टन थी अल्लाह माफ करे हाँ मैं बोलती थी तुम हो तुम यहाँ हो वरना चुप शाह का रोज आई इसकी मन्नत होती थी हम चुप रहेंगे जब तक हम जीतेंगे और जीतने के बाद भी ये चुप ही होता था मैं बोलती थी या अल्लाह ये क्यों यार उस टाइम में बहुत शर्माता था वैसे असल में वो शर्म कहाँ गई वो शर्म तो अब खत्म हो गई वैसे सब कहाँ खत्म हो गया यार बेशरम हो गया वो उस टाइम मैं बिल्कुल बात भी नहीं कर सकता था और सबसे पहले मतलब मेरा आपसे मिलने का भी बहुत दिल करता जब पहले मिला नहीं था जब पहले मैं आपसे मिला नहीं था मेरा मतलब मेरा दिल करता था दिल से मिलने तक नहीं था ना फिर उसके बाद जब हमारी टीम बनी फिर बिल्कुल शर्म तो वैसे भी पाइसेस बहुत शर्माते हैं पाइसेस बहुत शर्माते हैं मुझे बिल्कुल नहीं है शर्म मैं वाहिद पाइसेस हूँ जिसको शर्म ही नहीं है अगर आपके पास है एक किलो शर्म भेज देना मेरे खातिर वाइल 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 ये क्या हो रहा था ये म्यूजिक तो नहीं कह सकते इसे वैसे एक बात बताओ जब आपके हेडफोन्स ऑन होते हो ना और फुल वॉल्यूम हो और फेवरेट गाने लगे आउटडोर आप ऐसे ही दिख रहे होते हो पागल हाँ जब हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं दिल टूटा नहीं टूटा लेकिन गलत नहीं टूटा ना गलत सही है ना
चलो जी एक दो तीन शुरू हो जाओ हसीना वहां देख कर हमारे कैमरामैन के लिए गाले सुनिए जी कैमरामैन को बुला रही हूँ फोन में घूमे हुए होते हैं पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड है उनकी हामिद भाई खालिद भाई गर्लफ्रेंड को पॉज पर रखे हैं दानी आपके लिए गाना गाएगी है हर हर बच्ची जो यहाँ बैठती है हमारे खालिद जी का दिल हम 3 2 1 ओके पहले सोचने तो दे मैं अब कौन सा गाना गाऊं आप उनका मुंह देख ले गाना आ जाएगा अच्छा तो मैं ये गाना गा के मैं लिरिक्स 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 निकाल लिरिक्स 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 सिखाएंगे लिरिक्स सिखाएंगे ओए तुम अगर जावेद मियादाद बन जाए कौन बात करो जावेद मियादाद क्रिकेट के बारे में बात करो नहीं मैं तो वो बड़ा अच्छे है मतलब बड़े ठीक ठाक है वो भी थोड़ा बहुत इस तरह बट टू बी ऑनेस्ट मैं खुद तोती रही हूँ तुम तोती थी इस जमाने में नहीं मैं तो नहीं कभी भी तोती थी मैं हमेशा से ऐसे ही बकवास करती रहती थी तो मैं ये गाना इन्होंने लिरिक्स ढूंढ लिए हैं हम उनके साथ गाएंगे आवाज बड़ी प्यारी है बच्ची की सुलेखा दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे मेरी इल्तजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे बहन ये कौन से एक मिनट ब्रेक डाल इधर सब रो रहे नहीं ये वाली लाइन ये एक मिनट भाड़ में डालो लाइन को ये को एक मिनट किसी का दिल अगर टूटता नहीं है तो वो गाना ये गाता नहीं है ठीक है ये तो ऐसा रोग लगाए सीधा गले को लगाए ये रोग खत्म करवा दिया और ये वो वाला एक मिनट जब मैं ना आके बंद कर लूं वो ट्रेन में नहीं होते ये इतना तुमने दिल की लगी लगाई पता भाई ये मेरे फेवरेट लिरिक्स हैं अब मैं चाहूंगी आप सुने प्लीज चलिए सुनाते हैं एंड दीस लिरिक्स आर हाईली डेडिकेटेड टू समवन लो जी पहले प्यार पर यकीन नहीं है ये प्यार की है नहीं आप सुने तो चलो पहले हमें सुनने के लिए बर्दाश्त करना पड़ा चलो यार बर्दाश्त दीवाने चुप कैसे रहे आओ दुनिया से ये कहे जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है हमसे मिलाना करे आए हाय आए हाय अब ये बताई तो ये कौन मनोज था नहीं ऐसे ही होता सीधा गले में डाल मुझे पता है अभी लोग देख के हमें अभी ये क्या बोल रही है मैं कमेंट बन एक मिनट ये मैं कमेंट बन मैं बले ही नहीं करती मैं प्यार में बले ही नहीं करती प्यार में मुझे बिलीव नहीं है गाना अच्छा लगता है मुझे क्या है मुझे गाना अच्छा लगता है यार मैं इस बंदी से इतनी लड़ूंगी जिसको हाथ लगाना अलाउ नहीं है यहाँ जी काइंडली अपने हाथ अपने पास रखें सब हाथ ऊपर दिखाओ जी अब इनके हाथ यहीं रहेंगे फ्रेम से नीचे ब्रेक में इन्होंने बेबी फिंगर्स पकड़ लिया था वो बेबी फिंगर्स नहीं असल में मैं ये देख रही थी ऐसी कौन सी गड़बड़ाहट पड़पड़ाहट हो पड़ी कि बेबी फिंगर पकड़नी ये ब्रेक में मुझे वो सिफारिश कर रही थी अपनी कि मतलब मैं यार ये गाना इसी के लिए तो नहीं था नहीं भाई ये गाना किसके लिए था मेरे सामने चार और लौंडे बैठे हुए वो उन लोगों के लिए था नहीं नहीं ये गाना सिर्फ मुझे पसंद है दिस सॉन्ग इज क्लोज टू माय हार्ट एंड बस वो एक बंदा है वो भी मुझे पसंद है वो भी क्लोज टू माय हार्ट है लेकिन वो बस वो हिडन है और मैं इधर सख्त लौंडा बनने की कोशिश में हूँ बहुत ही सख्त लौंडा नहीं मुझे कोई नहीं पसंद मुझे नहीं पसंद अभी रिवाइंड एक मिनट अभी तुमने क्या बोला ये मेरे दिल के करीब है ये किसी के लिए है अभी मुझे बोलनी नहीं पसंद नहीं मतलब दैट सॉन्ग एक बात बताऊं मैं क्लोज टू माय हार्ट दैट सॉन्ग अगर तुम एक्टिंग छोड़ो अगर आप हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी में आ जाओ ना तो बस बेहतरीन गुड हो गया जी गुड हो गया वेल टू बी ऑनेस्ट सच बात बताओ पोनीज एक जमाने से लोग बना रहे हैं ठीक है
कोई किसी की स्टाइल कॉपी नहीं करता, लेकिन ये हमारे पता नहीं हम इतनी अजीब सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ बाहर वाला करे तो वो सुपरस्टार और हमारे वाले करे तो फिर वो चाइना कॉपी, और हम ऐसे ऐसे यू नो मतलब बड़ी अजीब बातें करते हैं। और ये बातें सिर्फ लड़के नहीं करते, उतनी ही लड़कियां करती हैं, मतलब 50% ये दो, ये पता नहीं ये कोई पागल कौम है जो बैठती है अपनी प्रोफाइल्स के पीछे और जो ये लिखती रहती है। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, जो ये बोल रही है वो सही है या गलत है? कभी आप ही पोनी बनाती हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है पाकिस्तानी, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर सबको प्रॉब्लम ही है किसी ना किसी में। अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, दैट डजंट मीन यू आर कॉपिंग समवन और यू आर कॉपिंग दैट इंडिविजुअल पर्सन। अगर आप किसी से भी इंस्पायर हो रहे हो, अगर मैं पोनीटेल इज नॉट इवन इंस्पिरेशन, जस्ट लाइक अ स्टाइल, दैट इज अ स्टाइल, एंड इफ यू आर लाइक डूइंग समथिंग, हाँ ऐसा होता है भाई किसी का वो सिग्नेचर स्टाइल होता है, लेकिन अगर आप वो करो दैट डजंट मीन कि आप उस बंदे को कॉपी कर रहे हो। हर मेरे ख्याल से दुनिया में कोई बंदा नहीं होता जो किसी और को कॉपी करके कुछ उससे अच्छा बन सकता है, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सनालिटी, एवरीवन इज डिफरेंट, हां एवरीवन इज डिफरेंट, दैट्स ट्रू। बट आपको क्या लगता है, हानिया के फिलर्स अच्छे लग रहे हैं नहीं? लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हानिया प्यारी लग रही है फिलर के साथ या फिलर के बगैर? नहीं, मतलब जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसका नेचुरल लुक जबरदस्त था, ये फिलर्स विलर्स करवा के बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं है? हाँ तुम बताओ, ऐसे बोल रहे जैसे हानिया इसकी बच्ची है। हाँ बताओ। मैं मुझे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई अपने साथ क्या भी करवाए, तो मुझे मैंने देखी है पिक्चर्स, पहले तो मुझे कंफर्म ही नहीं था कि उसने फिलर्स करवा रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे नहीं वो फिल्टर्स है, उसने फिलर्स नहीं करवाया ये वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कंफर्म ही अभी तक नहीं है कि उसने फिलर्स करवाए ये नहीं, और सेकंड मुझे ये कहना है कि शी इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल, बट उसके शी इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन यह है कि उसकी अपनी मर्जी है, उसको अपने फेस के साथ जो भी करवाना है, लेकिन वो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी और अभी भी बहुत प्यारी। कोई एक चीज़ जो आप अपने आप में बदलना चाहें, तुम दोनों? एग्रेशन, मेरा एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो अच्छा लुक वाइज, हां लुक वाइज, अच्छा ये सोचा अपना अपना माथा छोटा करना चाहता हूं। माथा छोटा करना चाहते क्यों? थोड़ा बड़ा है मुझे ऐसे फील होता है। ओके ओके, तो तुम बिल्कुल यहां हेयरलाइन, हां हेयरलाइन। ओके, व्हाट अबाउट यू? I don't want to change anything. I love myself this way. You love yourself this way. मतलब एक वाइल्ड कार्ड तुम्हें दे दिया जाए तब भी नहीं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगी, कुछ भी नहीं। क्या बात है, और शादी कब करना है तुमको? मुझे शादी नहीं करनी। शादी कर है व्हाट? I don't wanna get married. क्यों? I don't like commitments to like you know, मतलब शादी का अभी प्यार ही नहीं हुआ, मतलब कोई एक ऐसे इंसान जिसको आप बोलो रोजाना में बात करूं उनको बस। जितने इंसानों की शौक है उन सब के अलग, दानिया के अलग, पता नहीं कैसे शौक है, ना शादी करनी है ना तो कमिटमेंट नहीं होगी तो फिर नहीं क्या होगी? अभी अभी फिलहाल मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी कमिटमेंट है वो मेरे गोल्स के लिए और मेरे पैशन के लिए है, शादी या बॉय भी बनाना या बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें अभी मैं तो आग में बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और अपने काम पे फोकस करना है अभी। हाँ। और अपने गोल्स और पैशन पे मुझे, लेकिन ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। नहीं, हाँ मुझे शादी नहीं करनी अभी तक तो मेरा बिल्कुल यही, मैं इस अपने आप 18 क्यों एक फ्यूचर में एक होता है कि अगर मैं शादी करूँगी लड़के को लंबा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, कमिटमेंट में आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता? अच्छा वैसे तो मतलब मेरा ये है कि मुझे नहीं करनी, लेकिन अगर फिर भी तो जो भी अकस्मत खुदा की तुम शादी करोगी ना, मैं तुम्हारे मियाँ को जरूर ये YouTube देख रहा है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन 2 सालों बाद इसकी शादी हो। नहीं, मेरी शादी 2 सालों में हो सकता है कि अगर if I find my perfect one कि मुझे लगे हाँ यार यही बंदा है जिसके साथ मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये है कि जो भी बंदा हो उसके साथ आई कैन ग्रो। ओके ओके, दैट्स गुड। आई थिंक यही होना चाहिए, पार्टनर्स में ग्रोइंग होने चाहिए, बंदे को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, सामने वाले पर भी अंधा भरोसा, रिस्पेक्ट। आई थिंक जो लोग आई लव यू की तस्वीर लेकर बैठे हुए होते हैं वो प्यार नहीं करते,
और जो ज़्यादातर एक्शंस कर रहे होते हैं रिस्पेक्ट केयर वो लोग प्यार करते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इमैच्योर जहाँ लोग आई लव यू की तस्वीर सिर्फ आई लव यू बोल रहे थे. आई लव यू बेबी, आई लव यू खाना खाया मेरे बाबू ने. हाँ प्लीज वो तो हर इंसान करता है, तुम नहीं भी बोलते तब भी इंसान खा लेता. इंसान ने अब आप बोलोगे तो क्या हम तभी खाएंगे, हम भूल गए थे कि हमने खाना खाना है. अब तो वो हाल हो गए, गुड मॉर्निंग भी बंदा बोलते क्या हो गया यार. मुझे एक और चीज समझ नहीं आती, वो जो रिलेशन में अक्सर होता है अगर मतलब लड़की के हाथ पे थोड़ा जख्म है तो पता नहीं वो डॉक्टर्स के पास जाती है, यहाँ वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं होता. जब वो बोलती है जानू मेरे हाथ पे जख्म है, वो बोलती है जानू अब मैं हाथ लगाऊं ठीक हो जाएगा, हाँ हो गया ठीक. तो डॉक्टर्स अपनी डिग्रियां पार देते हैं इस चीज में. मैंने ना आई डोंट नो बट ये मैंने अपने बेटे के साथ बहुत किया है. वो जब गिर जाता था ना तो मैं उसको ना पाँव पर हाथ पर किसी कर दूँ, वो बोलते थे ठीक है. लेकिन वो एक स्टुपिडिटी लेवल होता है क्योंकि वो 2 साल का है. मीम्स भी बहुत तो हाँ मुझे ये समझ में नहीं आता. तुम्हें प्यार हुआ है? मुझे प्यार नहीं हुआ मुझे कभी. किसी ने तुमसे प्यार किया है? हाँ. फिर क्या हुआ? फिर मुझे पसंद नहीं आई वो. देखो असल में ना मुझे खुद पसंद नहीं आई, उसने प्यार किया था मैं मानता हूँ, ये चीज मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बस मैं क्या करूँ मेरा दिल नहीं. तो वो क्या करती? मतलब अब ऐसे होता है ना कि जहाँ से आप चाहो कि आपको प्यार मिले वहाँ से नहीं मिलता. जहाँ से अक्सर ऐसे होता है जहाँ से आप बिल्कुल ना चाहते हुए भी आपको प्यार मिल ये तो आई अग्री. जिसके लिए मतलब आपके दिल से फीलिंग्स आ रही हो ना कि यार यही बंदा है तो वो आपको बोलेगा कटो. तुम्हें तो पॉलिटिशियन होना चाहिए. एक बात होता है एंड हाँ बहुत घुमा ले यार मुझे ना. ओह माय गॉड आई गॉट टू मच राउंड अबाउट्स इन माय हेड. बहुत चक्कर आ गए हमें एंड अब वक्त आ गया है अल्लाह हाफिज बोलने का. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, अगले हफ्ते हम मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.